हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 33 ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स। बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम लोग रिलेटिव मोशन शुरू किए थे। रिलेटिव मोशन 1D कंप्लीट कर लिया, रिलेटिव मोशन 2D शुरू किया था। 2D में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम पे पहुंच गए थे। रिवर बोट प्रॉब्लम पे अब तक हम लोगों ने 2 क्लास कर ली है, एक बहुत बेसिक क्लास, कॉन्सेप्चुअल क्लास, चीज़ों को समझने वाली क्लास। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिवर बोट प्रॉब्लम में कंडीशनल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे इसके ठीक पहले वाले क्लास की बात किया जाए तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि रिवर बोट प्रॉब्लम में रिवर को अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पूरा फिजिक्स इसके आसपास क्या होता है, ये हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाली क्लास में सीखा। ठीक है, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किस डायरेक्शन में तैरना शुरू करेगा, रिवर के रिस्पेक्ट में का क्या मतलब होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में का क्या मतलब होता है, ड्रिफ्टिंग क्या होती है, तमाम बातें हम लोगों ने किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है अब तक, तुरंत जाकर के उस क्लास को देखेंगे, तभी इस क्लास को शुरू करेंगे, तभी इसमें बताई गई बातों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और उसके पहले का लेक्चर भी नहीं देखा, एकदम स्टार्टिंग का, जहाँ पे एकदम बेसिक शुरुआत किया था कि रिवर बोट प्रॉब्लम का एक्चुअल मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होते हैं, तो शुरुआत वहाँ से करनी है। अगर देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीक्वेंस का फॉलो करना, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी क्लास देता हूँ सीक्वेंस का फॉलो करता हूँ। सीक्वेंस का तुमको भी ध्यान रखना है ताकि कॉन्सेप्ट हमारे एकदम लिंक होकर चलते रहे। ठीक है, चलो तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आज हम लोग जो रिवर बोट प्रॉब्लम में कंडीशन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो होगा टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। एक रिवर को अगर हमको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना हो तो तैरने का दिशा क्या होना चाहिए, वो मिनिमम टाइम कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसमें सारी बात हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। और इस क्लास को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर शॉर्टेस्ट टाइम से जुड़ा हुआ आएगा तो बिलीव करो वो सेकंड्स में सॉल्व होगा, मिनट में नहीं, सेकंड्स में सॉल्व होगा। ठीक है, चलो तो बेसिक से शुरुआत करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो रिवर बोट प्रॉब्लम, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। सपोज दैट ये एक रिवर है, वही डायग्राम जो मैं तुमको पिछले 2 लेक्चर से बनाते आ रहा हूँ, वही डायग्राम को हम लोग लेके चलेंगे। ये रिवर है और इसमें थोड़ा दिशा का इम्पोर्टेंस जरूरी है, तो मैं चीज़ों को समझने के लिए ये दिशा मान लिया मैंने ईस्ट है और ये दिशा मान लिया मैंने वेस्ट है। ठीक है, और रिवर का फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो रिवर के 2 किनारे हैं, एक नॉर्थ की तरफ है, एक साउथ की तरफ है, और रिवर के पानी का फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है। पहले पूरे कंडीशन को समझ लो। अच्छा, तुमको मैंने बताया था उस दिन कि यार देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम के क्वेश्चन में दम तभी होता है जब इसके रिवर के पानी में फ्लो है, बहाव है। अगर रिवर के पानी में फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, ऐसा हो सकता है, या अगर फ्लो है तो बहुत नेग्लिजिबल, उससे स्विमर को कोई खास दिक्कत तकलीफ नहीं होने वाली है, इतना फ्लो है, तो ऐसे कंडीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम दोनों का कोई कंडीशन नहीं होता। सिर्फ एक कंडीशन होती है कि सीधे चलो और सीधे पहुंच जाओ, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा, वही शॉर्टेस्ट टाइम भी होगा। क्यों? क्योंकि रिवर में फ्लो तो नहीं है। रिवर फ्लो नहीं होगा तो जैसे स्टार्ट करोगे वैसे सीधे जाकर के पहुंचोगे। रिवर का बहाव है ही नहीं यार, तो क्या ही फर्क पड़ता है, जैसे स्टार्ट किया वैसे पहुंच गए, काम खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, जाहिर सी बात है। मैंने कहा भी था कि ग्राउंड पे चलने के बराबर हो जाएगा। मजा ऐसे क्वेश्चंस में तब आता है जब नदी के पानी में बहाव हो और इतना अच्छा खासा बहाव हो कि स्विमर को बोट को तंग कर सके, लगे कि यार नहीं, हमको इस बहाव से लड़ करके आगे चलना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोग को रिवर क्रॉस करना होगा, तो क्या कहानी है पूरा सुनना। तो फिर से बता दूं, रिवर का फ्लो, रिवर के पानी का फ्लो
ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, नदी के दो किनारे हैं, एक नॉर्थ की तरफ है, एक साउथ की तरफ है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर पे एक स्वीमर है या बोट है, जो तुम मानना हो मान लो। मैं स्वीमर को प्रीफर करता हूँ क्योंकि हम लोग में से बहुत बच्चे हैं जो स्विमिंग करना जानते हैं, तो दे विल ईजली कोरिलेट, ठीक है, कि स्विमिंग करते समय हमको क्या फील होता है, तो इसलिए मैं स्विमर का एग्जांपल लेके चलता हूँ। भले लिखा रिवर रोड डज नॉट मैटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्विमर को यहाँ ले लिया, ऑन द साउथ बैंक, साउथ किनारे पर एक स्विमर खड़ा है किनारे पर और देख रहा है कि नदी बहाव है ईस्ट से वेस्ट, तगड़ा बहाव है, बढ़िया बहाव है। समझ में उसको आ रहा है कि यार अगर शुरू करेंगे तो बहाव मुझको तंग करेगा, ये उसको समझ में आ रहा है, इतना फ्लो है। अब हमसे कहा गया कि इस स्विमर से कहा कि भाई इस रिवर को क्रॉस करो और ऐसे क्रॉस करो कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करके चले आओ, काम खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है, किसी भी कंडीशन में, चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हो या शॉर्टेस्ट टाइम का हो, हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में शुरुआत कैसे करनी है। तो जब भी मिनिमम टाइम की बात होगी, कभी भी मिनिमम टाइम की बात होगी, तो स्विमर को, बोट को, किसी को भी, जो नदी का बहाव है, फ्लो है, जो उसका फ्लो का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर स्टार्ट करना है। मेरे शब्दों को सुनना, स्टार्ट करना बोल रहा हूँ मैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करके दिखाओ, तो बस नदी का जो बहाव है ना उसके परपेंडिकुलर बस तैरना शुरू कर दो, बाकी का काम नदी का बहाव खुद कर लेगा। उस वक्त जो शॉर्टेस्ट जो टाइम होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर नदी का फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है और स्विमर साउथ बैंक पर खड़ा है, तो इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए, रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए, इसे सीधे साउथ से नॉर्थ की तरफ स्टार्ट करना होगा, एकदम फ्लो के परपेंडिकुलर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ स्टार्ट करेगा तो देखते हैं क्या होगा, पहले स्टार्ट तो कराते हैं। तो ये हो गया स्विमर के स्टार्ट करने का दिशा, लाइक दैट। चलो ठीक है, एकदम फ्लो के परपेंडिकुलर, इस बात को तुमको ध्यान रखना है। या तुमको मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि नदी का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसा तो हमेशा तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा बहाव, उसके परपेंडिकुलर बस शुरू कर दो, ठीक है। तो ये स्विमर जो है नदी के बहाव के परपेंडिकुलर दिशा में फ्लो करना, तैरना शुरू करेगा, यानी कि साउथ से सीधा नॉर्थ की तरफ। हमेशा तुमको बताया हूँ मैं इसके पहले की दो क्लासेस से बताता आ रहा हूँ कि जो भी शुरुआत करने का डायरेक्शन होता है वो हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतना आसान काम होगा नहीं है, क्योंकि जिस नदी को ये स्विमर पार करना चाह रहा है, ये तो इसके स्टार्ट करने का दिशा है कि ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन स्विमर ऐसे जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? बहुत सिंपल सी बात है, इसका पानी स्टिल थोड़ी है कि स्विमर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तबीयत से छेड़छाड़ करेगा, खूब जम के परेशान करेगा। और बहुत ज़्यादा अगर फ्लो होगा ना, अगर बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा इसका बहाव होगा, तो इसको बहा करके बहुत दूर ले जाएगा। कॉस्ट तो फिर भी कर लेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो मिलेगा ही, मगर बहुत दूर उसको ले आ सकता है। तो मान लो वो कंडीशन नहीं है, इस हद तक रिवर का फ्लो नहीं है कि क्रॉस करना ही बड़ा पेचीदा काम हो जाए। ठीक ठाक है, थोड़ा सा शिफ्टिंग होगी मगर क्रॉस कर लेगा, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। तो होगा क्या कि अब इस स्विमर पे रिवर का धक्का लगेगा, थ्रस्ट लगेगा। मैं तुमको बताया था, ठीक है, मैं तुमको बताया मेरे कि लाइफ में धक्के लगना कितना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। धक्का खाते रहो मगर ध्यान रहे वो सही तरीके से होना चाहिए। तो रिवर का ये धक्का लगा, ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी जो भी है वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। तो ये हो गया तुम्हारा VRG। तो VSR, VRG, ये स्टार्ट ऐसे किया, रिवर का धक्का लगा, और ये हो गया इसका एक्चुअल जाने का दिशा।
ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये है इन दोनों का रिजल्टेंट, और तुमको एक मैं वेरी फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ कि जो स्विमर की वेलोसिटी रिवर में होती है और जो रिवर का फ्लो होता है, स्विमर की वेलोसिटी में जब रिवर की वेलोसिटी मिलती है तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वही रिजल्टेंट हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है स्विमर की, VSG। ठीक है, तो अगर मैं तुमको स्विमर बना के दिखाऊँ तो मान लो कि यहाँ पे एक स्विमर है जिसको तैरना था और उसने तैरना शुरू किया और उसके तैरने का जो दिशा था, स्टार्ट करने का दिशा जो था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, ये इसके स्टार्ट करने का दिशा है, याद रखना, एकदम रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। ऐसे बना दूंगा तुमको क्लियर रहेगा ना कि स्विमर स्टार्ट कहाँ कर रहा है। तो ये है स्विमर जिसके स्टार्ट करने का दिशा ये, स्टार्ट तो कर दिया लेकिन हुआ ये कि इन भाई साहब पे रिवर का धक्का लगा, तब ये से धक्का लगा और ये हो गए तिरछे। तो तिरछे हो गए, तिरछे को दिखा भी दिया जाए, तो ये हो गया तुम्हारा स्विमर। ठीक है, लाइक दैट। तैरने वरने इसको आता है अच्छे से तो संभाल लेगा, लेकिन तिरछा तो हो ही जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये है स्विमर के एक्चुअल जाने की दिशा, स्टार्ट तो किया सीधा मगर जाएगा इधर। तो इस तरीके से पहले इस कंडीशन को समझो, इस फिगर को समझो कि शॉर्टेस्ट टाइम में अगर स्विमर को रिवर को क्रॉस करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी बातें तो बाद में होंगी, उस स्विमर को स्टार्ट किस डायरेक्शन में करना चाहिए। तो स्टार्ट करना चाहिए रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, रिवर का धक्का लगा तो तिरछा हो गया, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में जो स्विमर इस रिवर को क्रॉस करेगा, उस क्रॉसिंग में जो वक्त लेगा वो वक्त मिनिमम होगा इस दिशा के अलावा। अच्छा, मिनिमम किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम, ऐसे हमने कहा मिनिमम भैया किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम, तो मैंने बताया रिवर क्रॉस करने की बहुत दिशा हो सकती है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। उन सब कंडीशंस के कंपेरिजन में ये जो डायरेक्शन है दैट इज मिनिमम। बात को समझो कि अगर 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 ऐसे गया तो यूं पहुंचा, अगर ऐसे जाता तो और तिरछा होता, उस कंडीशन का टाइम विल बी मोर देन दिस, ये कहने का मतलब है। तो इस डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा तो टाइम विल बी मोर देन दिस। ठीक है, तो ये VSR जिससे स्टार्ट किया रिवर के रिस्पेक्ट में, VRG रिवर की वेलोसिटी, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज VSG। तुमको मैंने कहा था ना कि ये स्विमर जब स्टार्ट करेगा परपेंडिकुलर, ये धक्का खा के तिरछा हो जाएगा। ये स्विमर को समझ में नहीं आएगा कि हम तिरछे जा रहे हैं, उसके दिमाग में अंत तक रहेगा कि हम तो स्ट्रेट ही चल रहे हैं यार, हमें क्या पता। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा होगा, अगर यहाँ पर मैं कोई ऑब्जर्वर बना दूँ और वो ऑब्जर्वर खड़े होकर के मान लो ये पूरा नज़ारा देखता है, तो ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है वो इमेजिन करो स्विमर को कहाँ देखेगा। वो तो ये देखेगा कि स्विमर स्टार्ट तो किया था अपनी क्षमता के हिसाब से मगर धक्का खा के तिरछा हो गया और वो तिरछे दिशा में जा रहा है। तो जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको स्विमर इधर नहीं बल्कि इधर दिखाई पड़ेगा। बहुत कॉमन सेंस, जस्ट सिंपल कॉमन सेंस है। तुम ग्राउंड पे खड़े हो तो तुमको कहाँ दिखाई पड़ेगा, तिरछा दिया जाता हुआ, जो रिवर का फ्लो है धक्का मार दिया तुमको दिखाई पड़ेगा, अरे स्विमर तो तिरछा स्टार्ट तो सीधा किया था मगर तिरछा जा रहा है। तो इसलिए ग्राउंड के स्पेक्ट में ये वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो क्या लिखूंगा, VSR प्लस VRG इज इक्वल टू VSG। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये वेक्टर सम है, इनमें से कोई भी दो अगर हमको पता होगा तो तीसरा वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस बात को धनकना कि ये वेक्टर सम है, जब भी इसको हम यूज करेंगे इन तीनों की दिशाओं का ध्यान रखिए,
ध्यान रख के इसको यूज़ करना है। अब सवाल ये उठता है कि सर इस पर्टिकुलर कंडीशन से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो कंडीशन है वही पूछा जाएगा, मिनिमम टाइम रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम क्या है। अच्छा, सबसे पहले तुमको क्या पूछा जाएगा कि भाई स्टार्ट करने का डायरेक्शन क्या है। तो स्टार्ट करने का डायरेक्शन तुमको मैंने बता ही दिया कि स्टार्ट करने का डायरेक्शन क्या होगा, एकदम फ्लो के परपेंडिकुलर। अगर फ्लो ईस्ट टू वेस्ट है और हम साउथ बैंक पे हैं तो साउथ से सीधा नाक की सीध में नॉर्थ की तरफ, ये दिशा हो जाएगा। तो डायरेक्शन का तो कुछ वो नहीं है, जो भी पूछेगा फ्लो के परपेंडिकुलर। अब हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम टाइम जिसकी पूरी चर्चा हो रही है कि भाई मिनिमम टाइम की बात है तो वो होगा कितना। तो टाइम इज इक्वल टू ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मुझको ये रिवर की विड्थ पता है, ऑफ कोर्स देयर होगा, बिना उसके टाइम कैसे निकालोगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज विड्थ अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी एस आर। इस बात का मैं तुम्हें बताया था ना कि जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस तुम ले रहे हो उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी हमारा होना चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया टी मिनिमम। दूसरी चीज जो हमसे पूछ सकता है वो होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट समझते हो ना भाई, इसका लक्ष्य तो यहां तक था पी पर, मगर पहुंच गया वो क्यू पर। तो पी क्यू जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है, ड्रिफ्ट है। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब रिवर को यहां से यहां तक लाया कौन है भाई, स्विमर की तो वेलोसिटी सीधी थी, आखिर वो गया पी से क्यों, उसको तो पी पे आना था, आखिर वो पी से क्यों गया ही क्यों। तो उसका जवाब है रिवर का फ्लो। अगर ये ना होता तो क्या इसकी मति मारी थी, सीधा पहुंचता। तो जिस कंपोनेंट ने यहां से यहां लाया है उसी को यूज किया जाए। भाई इसके में दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। VSG के दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये। VSR तो नदी को क्रॉस कराने में हेल्प करेगा, जो VRG है वो ड्रिफ्टिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या लोगे, VRG इनटू टी मिनिमम जो निकाला हमने। तो VRG इज VRG, ठीक है, इनटू टी मिनिमम कितना निकाला, डी अपॉन VSR। तो यहां से पता कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम के चक्कर में ड्रिफ्टिंग कितनी पैदा हो गई, वो कैसे पता करेंगे। टाइम तो निकल गया शॉर्टेस्ट, लेकिन इस टाइम को बचाने की भरपाई भी करनी पड़ेगी। भरपाई क्या करनी पड़ेगी, पहुंचना था पी पर, पहुंच गया क्यू पर। तो ये ड्रिफ्टिंग का तुमको झेलना पड़ेगा, यू हैव टू कंप्रोमाइज विद इट अगर टाइम को बचाना है तो। तीसरी चीज, अगर ये दोनों पता है ये पूछ सकता है क्या ही दिक्कत है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए। तो VSG इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VSR स्क्वायर प्लस VRG स्क्वायर। तो ये दोनों पता होगा, ये भी निकल जाएगा। एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब फ्लो के रिस्पेक्ट में। फ्लो से अगर हम देखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ऑब्वियसली यहाँ दिखाई पड़ेगा ना। तो ये दिशा जो होगी वो कितनी होगी, स्टार्ट तो क्या परपेंडिकुलर, मगर एक्चुअल कहाँ दिखाई पड़ेगा वो उसे पूछता है। तो ये अगर थीटा है, ये भी एंगल थीटा बन सकते हो, मान के सकते हो, होगा यार। अब ये हेडा निकालो, काम हो जाएगा। अगर ये दोनों वेलोसिटी पता है, एज्यूम कर लूँ मैं, तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, काम खत्म। तो अगर मुझको ये दिशा निकालना होगा तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज VSR अपॉन बेस, दैट इज VSG। तो यहाँ से अगर मैं एंगल पता करना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स VSR डिवाइड बाई VSG, ठीक है।
VSR, VSG को लिख रहा हूँ मैं, VSR बाई VRG होगा ना, VSR बाई VRG, VSR बाई VRG, tangent इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं अगर ये कंडीशन मेंशन है तो। अब यहाँ पर पे एक बात उनको बताता हूँ, मन में एक शंका, क्या शंका, क्या ठीक है सर सब कुछ क्लियर है, सारी बात सारा कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज क्लियर, मगर एक बात चुभ रही है। कौन सी बात चुभ रही है? आपने कहा कि शॉर्टेस्ट टाइम होगा, हमने कहा हाँ भाई शॉर्टेस्ट टाइम होगा, तुमने कहा कैसे शॉर्टेस्ट टाइम होगा, रिवर का धक्का लगा और सीमर तिरछा चला गया, तो ये डिस्टेंस तो उसने तय किया ही नहीं। हम तो ये पढ़े हैं कि टाइम शॉर्टेस्ट होने के लिए डिस्टेंस शॉर्ट करो, तो टाइम तो शॉर्ट तब होता है ना कि जब वो सीधा जाता, अब वो इधर जाने के बजाय इधर जा रहा है तो काहे का टाइम मिनिमम, वो तो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके क्रॉस कर रहा है, टाइम कैसे मिनिमम होगा। सुनो, अगर तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि सर वो जाना तो इधर चाहता था मगर वो गया तिरछे, तो तिरछे जाने में वो तो और ज़्यादा डिस्टेंस तय करके जा रहा है, टाइम कैसे मिनिमम होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, लेकिन एक बात भूल गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी होता है। जब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो ऑफकोर्स डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पर रिवर का धक्का भी लगा है, तो यहाँ जो इसकी स्पीड है वो इसकी स्पीड से ज़्यादा है, और डिस्टेंस के बढ़ने से जितना टाइम में नुकसान हुआ होगा, शब्दों को सुनना, डिस्टेंस के बढ़ने से जितना टाइम में नुकसान हुआ होगा, स्पीड के बढ़ने से टाइम में उससे ज़्यादा फायदा हो गया, तो ओवरऑल हमारा टाइम बचेगा ही। अगर मैं ये कहता कि इस डायरेक्शन में स्पीड सेम है, तब यहाँ पे टाइम मिनिमम नहीं होता। यार स्पीड या डिस्टेंस तो बढ़ गई है मगर यहाँ उसकी स्पीड भी बढ़ गई है, और स्पीड इतनी बड़ी है कि टाइम का फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। तो अगर किसी बच्चे के मन में यह शंका आए कि डिस्टेंस बढ़ गई तो काहे का टाइम मिनिमम, तो भैया डिस्टेंस बढ़ गई है साथ साथ स्पीड भी बढ़ गई, और तबीयत से स्पीड बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कि टाइम को बचा लिया, तो इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मगर सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए, मगर पहले इसे ध्यान से अच्छे से कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे निकालेंगे, ठीक है। डू इट फास्ट। अब जो कॉन्सेप्ट सीखा है चलो उसको एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं ताकि और अच्छे से बातें क्लियर हो जाए। बाकी अलग से मैंने कहा था कि एग्जांपल्स बता रहा हूँ, एक पूरा अलग से सेशन आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम दोनों के, मगर पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा है एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, मैंने मिटाया नहीं है डायग्राम, लेकिन तुमको हर क्वेश्चन में डायग्राम को बनाना होगा, ठीक है। जल्दी से शॉर्टकट में 10 सेकंड में डायग्राम बना लोगे। सीखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फिगर कैसे बनेगा, शॉर्टेस्ट टाइम का फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की तुमको मैं कहानी बताई थी, स्टिल वाटर कभी भी अगर आता है तो वो हमेशा VSR होगा, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। कभी भी स्टिल वाटर का मतलब यह है कि जब रिवर शांत है तो हमारी ये क्षमता है तैरने की, तो जब कोई शांत होगा तो मेरी जो क्षमता होगी वो उसके रिस्पेक्ट मानी जाएगी। हम ग्राउंड पे चलते हैं, ग्राउंड डिस्ट में है हमारे रिस्पेक्ट में, तो हमारी जो स्पीड होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तो चूंकि स्विमर रिवर का पानी स्टिल है तो उस वक्त जो स्विमर की बोट की वेलोसिटी होगी वही रिवर के रिस्पेक्ट में मानी जाती है। तो ये हो गया VSR एट 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अच्छी बात है, VSR की वैल्यू हमको पता चल गई। अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, जो विड्थ है रिवर की चौड़ाई है वो है पूरा जमा 1 किलोमीटर, अच्छा खासा विड्थ है भाई।
और फ्लो भी है, फ्लो है एट 6 किलोमीटर पर आवर। रिवर का फ्लो भी हमको दिया है, वी आर जी भी हमको पता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। मैंने मान लिया ये ईस्ट और ये मान लिया वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, इस रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है। सबसे पहला इन विच डायरेक्शन ही शुड स्टार्ट, अगर नॉर्थ पे है तो साउथ की तरफ चल दो, साउथ पे है तो नॉर्थ की तरफ चल दो। तो अगर रिवर का फ्लो ईस्ट वेस्ट में है तो हम ये कह सकते हैं कि अलोंग, पहले पार्ट का आंसर बता रहा हूँ, अलोंग नॉर्थ साउथ। अब ये तो मुझको नहीं पता कि वो नॉर्थ बैंक पे है कि साउथ बैंक पे है, नॉर्थ पे होगा साउथ की तरफ जाएगा, साउथ पे होगा नॉर्थ की तरफ जाएगा, लेकिन जब भी जाएगा नॉर्थ साउथ के अलोंग ही उसको चलना है ताकि फ्लो के परपेंडिकुलर रहे। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, विच डायरेक्शन ही शुड स्टार्ट, ही शुड स्टार्ट अलोंग नॉर्थ साउथ। वॉट इज मिनिमम टाइम, टी मिनिमम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी अपॉन वी एस आर, डी इज वन, वी एस आर कितना है, दैट इज 8, तो 1/8 आवर या 60/8 मिनट में निकालना चाहो तो 7.5 मिनट में ये पूरा रिवर क्रॉस कर लेगा। इससे कम टाइम में क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, वॉट एवर यू चूज द डायरेक्शन, उड़ के क्रॉस करो तुम्हारी मर्जी। अगर नदी को तैर के पार करना है तो किसी भी दिशा में तैर के देख लो, इधर 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 कहीं भी जाओ, इससे कम टाइम पॉसिबल नहीं है, ये मिनिमम कहने का मतलब है। तीसरा पूछ रहा है व्हाट इज ड्रिफ्ट, कितना वो खिसक गया, तो खिसक गया तो जो ड्रिफ्ट है उसको खिसकाया कौन, खिसकाया ऑफकोर्स रिवर है, क्योंकि उसका तो अपना सीधा था, अपने स्पीड से वो खिसक नहीं सकता, ये सब रिवर का काम है। तो टाइम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड वी आर जी इंटू टाइम, तो वी आर जी कितना है, वी आर जी इज 6 और ये 6 किलोमीटर पर आवर में है, तो मेक श्योर कि टाइम भी आवर में हो, तो 1/8 दैट इज 3/4 किलोमीटर, इतना ड्रिफ्ट हो जाएगा, लगभग यहाँ से 750 मीटर वो ड्रिफ्ट हो जाएगा या 3/4 किलोमीटर, ठीक है। चौथा पूछ रहा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VSG पूछ रहा है, तो VSG इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये है 8, ये है 6, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यू विल गेट 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्विमर की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, देखो तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वही कहा था ना कि यहाँ 8 है यहाँ 10 हो गई, तो ये डिस्टेंस तो ऑफकोर्स बढ़ गई है लेकिन उसकी तुलना में स्पीड भी तो बढ़ गई है, यहाँ 6 से चला था यहाँ 8 से चल रहा है, बढ़ाओ डिस्टेंस, हम टाइम को बचा लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये एंगल पता करना होगा, तो tan theta इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो VSR/VRG, VSR कितना है 8 है और VRG कितना है 6 है, तो tan theta इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3, तो tan theta 4/3 जो होता है वो 53 डिग्री पर होता है, तो 53 डिग्री विद द फ्लो, तो फ्लो से 53 डिग्री पर वो जाता दिखाई पड़ेगा, स्टार्ट तो करेगा वो परपेंडिकुलर, लेकिन फ्लो से ये ईस्ट है ना, तो ईस्ट से सॉरी ये वेस्ट वेस्ट है, तो वेस्ट से 53 डिग्री अगर साउथ होगा तो नॉर्थ कह सकते हो कि वेस्ट से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये होगा, या कह सकते हो कि फ्लो से 53 डिग्री ये दिखाई पड़ेगा जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको, सीमर को देगा हम तो सीधा चल रहे। तो ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, जब क्वेश्चन में ये कहा जाए
कि सिमर को रिवर को क्रॉस करना है, वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, फिगर ड्रॉ करना होगा, कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। ठीक है, चलो। तो आज का क्लास सिर्फ इतना ही था, जो उसको तुमको समझाना था कि देखो ये कंडीशन कैसी होती है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये छोटे छोटे कंडीशंस में अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग में बैठे, बहुत बड़ा क्लास करके हो सकता है कि वो स्किप कर जाए, उसकी इंपॉर्टेंस स्किप कर जाए इनफैक्ट। तो उसकी इंपॉर्टेंस बरकरार रहे इससे छोटी छोटी क्लास में उनको बता रहा हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, इन दोनों टॉपिक्स पे जम के क्वेश्चन करेंगे, फिर और कंडीशंस देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चन बनते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे। तब तक पीछे के सारे क्लासेस को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो। कॉन्सेप्ट सीखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ये क्लियर है, सब क्लियर है। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।